और जी मिड के बाद जो है हमने जो टॉपिक थे एडवांस टॉपिक्स हमने कवर करने थे उनमें से फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को हम पहले स्लाइड्स के थ्रू रीड कर लेते हैं, एक दफ़ा इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं वर्बली एंड देन हम इसको उसी तरह से ट्रेनिंग जिस तरह से पहले सॉल्व करते थे वीडियो लेक्चर के थ्रू उस तरह से मैं इसको करवा दूँगी। सो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग का आपने नाम सुना होगा। सो डीप लर्निंग जो है वो बेस करती है इसी न्यूरल नेटवर्क के ऊपर। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की एडवांस फॉर्म है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। सो शुरू करती है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है ये बेसिकली न्यूरॉन्स ह्यूमन न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे वर्क करता है। जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं और न्यूरॉन हमारी जो मेमोरी है हमारी याददाश्त है वो सेव होती है न्यूरॉन्स में। टोडलर है तो टोडलर अपने इनिशियल एज में बेबी चीज़ों को लर्न करना शुरू करता है, उसकी न्यूरॉन बिल्ड हो रहे होते हैं, उसकी मेमोरी जो है वो भर रही होती है, तो इस तरह से वो चीज़ों को देख के सेंस करके उसको उनको रिकग्नाइज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इसी तरह से जिस तरह से लोग ओल्ड एज में बूढ़े हो जाते हैं तो वो उनका न्यूरॉन्स डाई आउट होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी मेमोरी जो है वो लॉस होती जाती है। सो बायोलॉजिकल न्यूरॉन ब्रेन में भी थॉट ऑफ एज अ कम्प्लेक्स कंप्यूटर। इट हैज़ अ फॉलोइंग अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स द एबिलिटी टू परफॉर्म कम्प्लेक्स टास्क जस्ट लाइक पैटर्न रिकग्निशन है, परसेप्शन एंड मोटर कंट्रोल है। अब यहाँ पर देखिए कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो पैटर्न रिकग्नाइज करते हैं किस तरह से, कि अगर आप उनको कोई इनकम्प्लीट इमेज भी दिखा दें तो वो उसकी बेसिस पे अज्यूम कर लेंगे ये किस चीज़ का इमेज है। यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं एरोप्लेन की, कि अगर एरोप्लेन के साथ क्लाउड्स भी हैं और हाफ एरोप्लेन शो हो रहा है तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कम्प्लीट एरोप्लेन की शेप जो है वो इमेज किस तरह से होगा। ठीक है जी, इस तरह से परसेप्शन है यानी कि परसीव कर लेना, सिर्फ कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे अंडरस्टैंड कर लेना फिनोमिना को और उसकी बेसिस पे जो है आप कोई भी चीज़ जो है उसको गेट कर लेना। इस तरह से मोटर कंट्रोल है कि किस तरह से आप अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हैं। सो ये सारा जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन का पैटर्न है ह्यूमन ब्रेन के अंदर इसी को, अच्छा इसमें की चीज़ ये है कि इसमें एक्ट जो है इवेंट जो है बहुत ज़्यादा मिली सेकेंड्स में तकरीबन कवर होते हैं। जिस तरह से देखिए कि एक आप टच करते हो किसी ऐसी चीज़ को जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो फ़ौरन टच करके तो आपको रिस्पांस ब्रेन तक सिग्नल्स जाते हैं और वहाँ से आपको रिस्पांस मिलता है कि आपने अपना जो टेस्ट अपना जो हैंड या कोई चीज़ टच की है उसको पीछे करना है। तो उस टच करने से लेके ब्रेन से रिस्पांस आने तक का जो टाइम है नैनो सेकेंड में हो सकता है। ये सारे आपका जो परसेप्शन है ये मोटर कंट्रोल के थ्रू आपके न्यूरॉन्स पास कर रहे हैं, एक सिग्नल पास कर रहे हैं टू योर ब्रेन कि आप उसको टच करेंगे, माइल्ड है वार्म है या कोल्ड, बहुत ज़्यादा जो है वो हॉट है, तो उस बेसिस पे ये जो है ना ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स का वर्क करता है। इसी करेक्टरिस्टिक्स को हम कंप्यूटर साइंस में कॉपी करेंगे और उसे देखेंगे कि हम मशीन को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं चीज़ों को लर्न करने में और रियल टाइम बिहेवियर रिस्पॉन्स देने में। अच्छा और एक और साइमल्टेनियस का है यहाँ पे, ब्रेन हैज़ एबिलिटी टू सॉल्व सेवरल प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब ह्यूमन ब्रेन की एबिलिटी है कि आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम परफॉर्म कर सकते हो, जस्ट लाइक कि आप एक टाइम पे अपना फ़ोन पे सर्चिंग भी कर सकते हैं, आप साथ बैठे हुए फ्रेंड से बातें भी कर सकते हैं, मैसेज टाइप भी कर रहे हैं, मैसेज रिस्पॉन्स भी ले रहे हैं, ऑडियो इनपुट भी ले रहे हैं, विजुअल इनपुट भी ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। तो ह्यूमन ब्रेन जिस तरह से मल्टीपल टास्क डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क एक टाइम पे परफॉर्म कर सकता है, इसी ये एबिलिटी को हम इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कॉपी करेंगे कंप्यूटर के अंदर एल्गोरिदम्स के थ्रू आर्टिफिशियल न्यूरॉन के थ्रू। सो बायोलॉजिकल न्यूरॉन में एबिलिटी टू लर्न मेमोराइज एंड स्टिल जनरलाइज। बायोलॉजिकल जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनमें एबिलिटी है कि वो लर्न करते हैं चीज़ों को, न्यू चीज़ों को हम लर्न करते हैं और उनको मेमोराइज करते हैं अपने न्यूरॉन्स के अंदर और उसकी बेसिस पे हम जो है वो जनरलाइज करते हैं चीज़ों को। सो ब्रेन इज़ फॉल्ट टॉलरेंट इन टू रिस्पेक्ट्स, इट इज़ एबल टू रिकग्नाइज मैनी इनपुट सिग्नल्स दैट आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी सिग्नल वी हैव सीन बिफोर। अच्छा यहाँ पे अब देखिए एग्जांपल ऐसी है कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो इनपुट सिग्नल्स को रिकग्नाइज कर सकता है जो कि
ये नहीं जो हमारी ट्रेनिंग है, अगर उससे थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें आती हैं तो हम उनको भी अंडरस्टैंड करके उसको रिस्पांस दे सकते हैं। जिस तरह से क्लास में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप उसी पैटर्न पर याद करके उसको लर्न उसको वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। या इमेजेस हैं, देखिए एक आपका फ्रेंड है जिसकी विदाउट बियर्ड, अगर आपके पास किसी बॉय की हम लेते हैं इमेज लेते हैं तो बियर्ड के बगैर अगर उसकी फ़ोटोज़ आपने देखी हुई और उसके बाद उसको आप बियर्ड के साथ देखते हैं तो आप उसको रिकग्नाइज कर लोगे। या किसी के सिबलिंग्स को फीचर्स मिलते जुलते हैं तो आप रिकग्नाइज कर सकते हो कि ये इसका भाई है या इसकी बहन है। सो ये एबिलिटी है ब्रेन की फॉल्ट टॉलरेंट की। सेकेंड इसकी एबिलिटी है इट इज़ एबल टू टॉलरेट डैमेज टू द न्यूरल सिस्टम इट्सेल्फ। अच्छा, अब ऐसा है कि अगर न्यूरॉन्स की ये करेक्टरिस्टिक है, हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स अगर एक दफ़ा ख़त्म हो जाते हैं तो न्यूरॉन्स बिल्डअप नहीं होते। तो फॉल्ट टॉलरेंट है ब्रेन इस सेंस में भी कि अगर न्यूरॉन्स डायआउट होते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी मेमोरी जो है कम्प्लीट लॉस नहीं होती। कुछ चीज़ें हमें भूल जाते हैं लेकिन वी कंटिन्यू टू लर्न। तो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स इन ब्रेन। आपने हो सकता है किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड किसी इंग्लिश मूवी में देखा हो कि इस तरह से जी पल्सेस पास हो रही हैं, तो दैट्स एक्चुअली वर्क इन रियल टाइम कि हमारे ब्रेन में हमारे जो न्यूरॉन्स हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं और मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, कोई 200-400 नहीं हैं, आपस में कनेक्टेड है। और वो जो सिग्नल है वार्म एंड हॉट टच करने का और उसके रिस्पॉन्स का, वो इसी तरह से पास होता है। ये हमारे इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन के थ्रू जो सिग्नल्स हैं वो हमारे ब्रेन में इसी तरह से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की तरह पास होते हैं। स्ट्रक्चर इसका देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, यू हैव एन स्ट्रक्चर हियर। अच्छा, यहाँ पे द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल सिस्टम्स आर नर्व सेल्स रेफर टू एज न्यूरॉन्स। अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स इन ह्यूमन ब्रेन। 100 बिलियन का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो इमेज है ये रियल टाइम है। बाकी मिलियंस और बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक सिग्नल किस तरह से पास आउट होता है फ्रॉम वन एज टू द अदर एज। अब अगर सिंपल एक सेल हम देखें न्यूरॉन का, तो न्यूरॉन में इसको इमेज बड़ा करती हूँ, यहाँ पे देखें इसमें सेंटर में इसका न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है उसकी, डेंड्राइट्स हैं, साइनेप्सिस है, एक एक्सन है, एक्सन का टर्मिनल है। अब ये एक सिग्नल है, इनपुट सिग्नल जो है वो डेंड्राइट्स के थ्रू इन्वायरमेंट से या दूसरे जो न्यूरॉन्स हैं उनके थ्रू न्यूरॉन गेट करता है। वो सारे सिग्नल सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस के अंदर सम अप होते हैं। ठीक है जी, और सम अप होने के बाद अगर तो वो सिग्नल इतना हैवी है या हम कह सकते हैं इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे पास आउट होना चाहिए, तो एक्सन के थ्रू पास आउट हो जाता है नेक्स्ट जो न्यूरॉन जो कनेक्टेड है, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं उनके साथ। एक्सन पे जो एंड पे लेयर है इसके साथ अगला न्यूरॉन की डेंड्राइट्स है वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। साइनेप्सिस के अंदर हमारी वो इंफॉर्मेशन सेव रहती है। इस तरह से 100 बिलियन न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो जिसमें अगर आप बहुत गर्म चीज़ को हाथ लगाते हो तो सिग्नल एक न्यूरॉन की बॉडी में सम अप होके होता है न्यूक्लियस में, और अगर वहाँ पे वो उसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो पास आउट हो जाता है टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, नेक्स्ट नेक्स्ट। और इस तरह से आपस में पूरे का पूरा एक कम्बिनेशन बना के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और रिस्पांस जनरेट करते हैं कि आपको हाथ पीछे करना है या नहीं करना, हॉट है या कोल्ड है। इसी तरह से आप अपने इन्वायरमेंट को भी इस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये सारे के सारा जो है हमारे सिग्नल्स पास होते हैं थ्रू न्यूरॉन्स टू आवर ब्रेन, और उसके बाद जो इनकी इन्फॉर्मेशन है ये भी सिक्योर रहती है फॉर द नेक्स्ट टाइम यूसेज के लिए। सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पे बायोलॉजिकल न्यूरॉन का अगेन वही स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन्स आर अरेंज इन अप्रॉक्सीमेटली 1000 मेन मॉड्यूल्स के फॉर्म में ये अरेंज होते हैं ब्रेन में, एंड ईच हैविंग अबाउट 500 न्यूरल नेटवर्क्स। अब देखिए कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं ह्यूमन ब्रेन के अंदर, इमेजिन करें इसको, और उसके बाद देखें कि वो 1000 मेन मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं। हर एक मॉड्यूल हर एक डिफरेंट वर्क परफॉर्म करता है या कोलैबोरेटिव आपस में वर्क करते हैं, एंड ईच हैविंग अबाउट 500 न्यूरल नेटवर्क्स। हर एक 1000 के अंदर 1000 और हर एक के अंदर 500 न्यूरल नेटवर्क्स के डिफरेंट सब नेटवर्क्स बने हुए हैं। ठीक है, ये थोड़ी क्लियर डायग्राम है उसी बायोलॉजिकल न्यूरल स्ट्रक्चर की, जिसमें सेंटर में ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा होगा न्यूक्लियस है, डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स
आउटर इन्वायरमेंट के थ्रू या दूसरे जो न्यूरॉन्स हैं उनके साथ कनेक्टेड होती हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन वो गेट करती हैं, इनपुट सिग्नल्स। ये चीज़ें कुछ याद रखिएगा, इनपुट सिग्नल्स डेंड्राइट्स गेट करती हैं फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट या फिर दूसरे सिग्नल्स के साथ इन्फॉर्मेशन। वो सारे सिग्नल्स सम अप होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये जो ब्लू कलर का आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। अब अगर उस जो सम अप होने के बाद जो अमाउंट आती है, वैल्यू आती है, उसको कंपेयर किया जाता है एक सर्टन थ्रेशोल्ड के साथ। अगर वो वैल्यू जो हम गेट कर रहे हैं उस सर्टन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो तो सिग्नल जो है वो ट्रिगर कर जाता है आगे एक्सन के थ्रू, और अगर वो ना हो तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है सिग्नल। आगे जो है वो सम करने के बाद जो वैल्यू है, ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपके सारे सेशनल्स मिला के सेल बॉडी के अंदर आपके सारे सेशनल्स अगर हम न्यूक्लियस के अंदर सम अप करते हैं तो वो थ्रेशोल्ड 50 है, 50 से अबव होगा तो आप ट्रिगर कर जाएंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाएंगे, पास हो जाएंगे, अदरवाइज़ आप यहीं पे जो है इसी सेमेस्टर में डाई आउट कर जाएंगे, यानी कि आपके सिग्नल्स में हैं वो यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएंगे, आपको दोबारा ये चीज़ रिवाइज करनी पड़ेगी, रिपीट करनी पड़ेगी। सो एक्सन जो है, एक्सन के थ्रू ब्रांचेज ऑफ एक्सन है साइनैप्स, यहाँ पे इंफॉर्मेशन वो स्टोर होती है, उसके बाद साइनैप्स के साथ ही नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट कनेक्टेड है जो कि इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूरॉन। कुछ इन्फॉर्मेशन है अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। मेन बॉडी ऑफ द सेल कलेक्ट्स द इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स थ्रू इट्स डेंड्राइट्स, ठीक है जी। साथ साथ इसको रिलेट करते जाए, मेन जो सेल बॉडी है वो इन्फॉर्मेशन गेट करती है डेंड्राइट्स के थ्रू, देन द इनकमिंग सिग्नल्स आर कॉन्स्टेंटली बींग समड इन द सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर सारे सिग्नल जो है इनकमिंग कॉन्स्टेंटली सम अप होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, एड अप होते रहते हैं, अनलेस और अनटिल के सारे सिग्नल्स आ जाए, सारे आ गए, सम अप हो गए, देन इफ़ द रिजल्ट ऑफ द समिशन क्रॉसेज अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, अगर एक कुछ थ्रेशोल्ड 50, 40, 70, 80% रखा है, अगर उस वो सारे इनकमिंग सिग्नल्स उस थ्रेशोल्ड से जो है वो क्रॉस कर जाते हैं, द सेल बॉडी इमिट्स अ सिग्नल ऑफ इट्स ओन, तो सेल बॉडी जो है एक सिग्नल क्रिएट करेगी कॉल्ड फायरिंग ऑफ द न्यूरॉन, और सिग्नल एक्सन के थ्रू साइनैप्स में जाएगा और वहाँ से नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स उसको गेट करके आगे पास आउट कर देंगे। दिस सिग्नल पासिस थ्रू द न्यूरॉन्स एक्सन फ्रॉम वेयर द डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन्स पिक इट अप, ठीक है जी। ये स्टेटमेंट्स आपने पढ़ ली हैं, पढ़ने के बाद दोबारा इस इमेज को देखें, जो ह्यूमन बायोलॉजिकल न्यूरॉन है उसमें क्या होता है, डेंड्राइट्स इनपुट गेट करती हैं, सिग्नल्स गेट करती हैं फ्रॉम एनवायरनमेंट और फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, ये सारा इनपुट जो है जितने सम अप होते हैं सेल बॉडी में न्यूक्लियस के अंदर, समेशन के बाद चेक किया जाता है कि समेशन जो है वो सारे सिग्नल्स का सम जो किया था वो एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड से इंक्रीज़ करती है वैल्यू या नहीं करती। अगर ये इंक्रीज़ करती है तो ये एक्सन के थ्रू पास आउट होती है साइनैप्स में, और जहाँ पे नेक्स्ट न्यूरॉन जब कनेक्टेड होता है इस न्यूरॉन के साथ उसके डेंड्राइट इन्फॉर्मेशन पिक करते हैं और अगेन वो नेक्स्ट के न्यूरॉन के सेल बॉडी में उसको सम अप करना शुरू कर देता है। तो वी नो दैट कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में हैं जिसमें 1000 मेन मॉड्यूल्स हैं और हर एक मॉड्यूल के अंदर 500 डिफरेंट न्यूरॉन्स वर्क करते हैं। तो ये सारा आपस में कनेक्शन बना के हमारी मेमोरी को स्टोर भी करते हैं और उसके बाद सिग्नल को रिस्पॉन्ड भी करते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं, स्लाइड्स अपलोड मैं कर चुकी हूँ एलएमएस पे। सो अगेन इन्फॉर्मेशन बायोलॉजिकल न्यूरॉन की है, देयर आर 1000 to 10000 डेंड्राइट्स इन ईच न्यूरॉन। अब एक न्यूरॉन के अंदर 1000 से लेकर 10000 तक डेंड्राइट्स होती हैं जो कि इन्फॉर्मेशन गेट करती हैं, फ्यू मिलीमीटर्स ये लॉन्ग होती हैं। अब एक न्यूरॉन के अंदर 1000 से 10000 तक डेंड्राइट्स होंगी, 100 बिलियन न्यूरॉन्स के अंदर कितनी डेंड्राइट्स होंगी और जो कि फ्यू मिलीमीटर लॉन्ग होती हैं, ये सारा कुछ हमारे इसी दिमाग के अंदर है, इसी ब्रेन के अंदर है। देर इज़ ओनली वन एक्सन सेवल सेंटीमीटर लॉन्ग, द कनेक्शन बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सन इज इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इट इज़ कॉल्ड साइनैप्स। साइनैप्सिस मॉडिफाई एनहांस और इनहिबिट द सिग्नल वाइल पासिंग इट ऑन टू डेंड्राइट्स, को पास करने से पहले इसको इन्हांस कर सकता है साइनैप्सिस, इसको बूस्ट कर सकते हैं या इनहिबिट कर सकते हैं इसको, ये देखेंगे जब हम इसको बनाएंगे ना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये सारी चीज़ें हमारे यूज़ होंगी इसी तरह से। बायोलॉजिकल न्यूरॉन को अंडरस्टैंड कर लें क्योंकि ये इसी को हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन में
कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रक्चर हमारा कुछ सम हो इसी तरह से रिलेट करेगा। सो द ह्यूमन लर्निंग इज स्टोर्ड इन दिस सिनेप्सिस एंड द कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स विद अदर न्यूरॉन्स। ये सिनेप्सिस जो है इनमें ह्यूमन लर्निंग सेव होती है। अब देखिए यहाँ पे ये जो इमेज है, ये देखिए यहाँ पे एक न्यूरॉन की जो सिनेप्स है वो नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट से कनेक्टेड है, यानी कि इन्फॉर्मेशन ह्यूमन मेमोरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है, जिसको पास नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स यहाँ से गेट कर रहे हैं, नीचे देखिए सिनेप्स के ऊपर। ठीक है जी। सो इफ़ स्टिमुलस एट अ डेंड्राइट कॉज द न्यूरॉन टू फायर देन द कनेक्शन बिटवीन दैट डेंड्राइट एंड एक्सन इज स्ट्रेंथन। अगर इन्फॉर्मेशन जो सम किया था इनपुट सिग्नल्स को, समेशन वो इतनी ज़्यादा है कि न्यूरॉन फायर होता है, तो फिर हमारा जो कनेक्शन है बिटवीन डेंड्राइट एंड एक्सन वो स्ट्रेंथ होता है। इफ़ द अराइवल ऑफ स्टिमुलस डज नॉट कॉज द न्यूरॉन टू फायर, और अगर सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो कनेक्शन जो है टाइम के साथ साथ वीक होता जाता है। सो आई होप कि आपको कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन किस तरह से वर्क करता है। अब देखते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल मॉडल किस तरह से न्यूरॉन का मॉडल क्रिएट किया गया है बेस्ड ऑन दैट बायोलॉजिकल न्यूरॉन। ठीक है जी, ये हमारे पास मॉडल है आर्टिफिशियल न्यूरल मॉडल का, जिस तरह से डेंड्राइट्स इन्फ्रंट सिग्नल गेट करती हैं, यहाँ पे X1 और X2 वो काम परफॉर्म कर रहे हैं। X1 और X2 जो है वो इन्फॉर्मेशन या सिग्नल गेट करते हैं, उसको सम होता है सेल बॉडी के अंदर, इन्फॉर्मेशन सर्कल के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये सारे सिग्नल सम होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने देखी थी कि सिनेप्स जो है वो क्या करता है, या तो सिग्नल्स को इन्हेंस करता है या इनहिबिट करता है, तो ये काम यहाँ पे वेट यूज़ करेंगे। W1 और W2 वेट हैं, W1 सिग्नल X1 को के साथ अटैच होता है एंड W2 जो है वो सिग्नल X2 के साथ अटैच होता है। समेशन फंक्शन हम यूज़ करेंगे, डिफरेंट फंक्शंस हैं, हम सिंपल फैक्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद जो समेशन की वैल्यू है इसको कंपेयर करेंगे विद अ थ्रेशहोल्ड। नेक्स्ट आप स्क्वेयर बॉक्स में देखिए एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू है, अगर समेशन वैल्यू उस थ्रेशहोल्ड से के इक्वल या से इंक्रीज़ करती है तो हम सिग्नल जो है वो वाई आउटपुट चला जाएगा टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, ट्रिगर हो जाएगा, अदरवाइज यहीं पे उसको ख़त्म कर देंगे, एंड कर देंगे। सो आई रिपीट, X1 एंड X2 जो है वो इनपुट सिग्नल्स हैं, वेट्स हैं W1 W2, जिस तरह से सिनेप्स जो है वो इन्हेंस करता है, इनहिबिट करता है किसी भी सिग्नल को, इनपुट सिग्नल को, ये W1 X1 को इन्हेंस और इनहिबिट करेगा और W2 X2 को इन्हेंस और इनहिबिट करेगा। मेन जो लर्निंग है वो इन्हीं के ऊपर बेस करती है। समेशन सिंबल है, यानी कि सारे इनपुट सिग्नल यहाँ पे सम अप होंगे, और सम अप करने के बाद अगर वैल्यूज़ इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर जो थीटा वैल्यू है उससे अगर ज़्यादा है तो वाई आउटपुट हो जाएगा, अदरवाइज यहीं पे वो ख़त्म हो जाएगा। सो आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल जो है इट रिसीव्स अ वेक्टर एक्स ऑफ इनपुट सिग्नल, एक्स जो है X1 X2 भी हो सकता है और X4 तक, 5 तक, 8 तक, यानी 2 की पावर में वैल्यूज जा सकती हैं इसकी, आइदर फ्रॉम द एनवायरनमेंट और फ्रॉम अदर अदर आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। सो ईच इनपुट सिग्नल X1 इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेट W1 टू स्ट्रेंथन और वीकन इट। द न्यूरॉन कंप्यूट्स द वेटेड सम ऑफ द इनपुट सिग्नल। अब न्यूरॉन जो है वेटेड सम, ये जो हमने देखा था ये सम सर्कल में न्यूरॉन सम करता है, वेटेड सम निकालता है इनपुट सिग्नल्स का, जो कि ठीक है ये इक्वेशन है XIWI, यानी कि हर एक इनपुट सिग्नल उसी के अकॉर्डिंग जो वेट है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी X1 है तो W1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, X2 है तो वो W2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद जितने भी इनपुट सिग्नल्स होंगे ये समेशन सिंबल i=1 to i ये चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर एक इनपुट सिग्नल को उसके रेलिवेंट वेट के साथ मल्टीप्लाई करके एट द एंड सारे सिग्नल्स को सम कर दिया जाएगा, एंड देन विद टू कंपेयर विद थ्रेशहोल्ड वैल्यू। सो द वेटेड सम इज़ यूजुअली कॉल्ड द एक्टिवेशन ऑफ द न्यूरॉन एक्टिवेशन फंक्शन, भी इसको बोला जाता है जो वेटेड सम है, जिसमें हमने यहाँ पे ऊपर भी देखा ये थी जो समेशन साइन किया गया है XIWI समेशन इसकी, तो ये एक्टिवेशन फंक्शन होगा। क्लियरली इसकी ट्रेनिंग मैं आपको बोर्ड के ऊपर या नोटबुक के ऊपर भी करवाऊँगी। सो एन एक्टिवेशन फंक्शन इज़ अप्लाइड ऑन दिस वेटेड सम टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ द न्यूरॉन। वाई एफ एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो इसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा, सम गेट किया जाएगा, एंड देन उस एक्टिवेशन फंक्शन वाई जो है उस वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा विद द थ्रेशहोल्ड वैल्यू थीटा वैल्यू। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक फंक्शंस, अब यहाँ पे जो लॉजिकल फंक्शन है एंड और है उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन, एक सिंपल एग्जांपल है, यू कैन सी हियर
आर्टिफिशियल न्यूरल मॉडल है। अब यहाँ पे हमारे पास एंड फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ देखें, ये जो टेबल है हमारे पास, इसमें x1 और x2 इनपुट सिग्नल्स हैं। x1 2021, x2 की वैल्यू है 0101। अब यहाँ पे देखिए, लेट इसके ऊपर पहले मेंशन किया गया था कि w1 एंड w2 इक्वल्स टू 1, यानी कि इनिशियल वेट्स w1 भी 1 होगा एंड w2 भी 1 होगा। एक्टिवेशन फंक्शन है हमारे पास, x1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे wn के साथ और x2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे w2 के साथ, और उसके बाद इनको हम सम कर देंगे। सो x1 की वैल्यू देखें 0 है, इसको w1 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 1 0 0, और x2 की वैल्यू जो है वो w2 की के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x2 0 है, w2 भी 1 है, 0 1 0 0, सो 0 प्लस 0 आ जाएगा 0। इसी तरह से आप अगर आप मुझे रिस्पांस दे दीजिएगा तो मैं आपको नोटबुक पे भी ये एग्जांपल सॉल्व करके दिखा दूँगी, और अगर सिंपली आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो लेट इट गो। x1 की सेकंड वैल्यू देखें, दैट इज़ 0 0, को w1 वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 तो 0 ही रहेगी। x2 की वैल्यू 1 है, उसको w2 वेट 2 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ जाएगा। सो ये सेंटर में आप सम करेंगे तो वन वन वैल्यू आ जाएगी। सो ये वैल्यूज़ हमारे पास 0 1 1 2 आ जाएंगी। अब देखिए, y में ये चीज़ बता रहा है कि ये सिग्नल ट्रिगर होगा या नहीं होगा। थीटा देखें जी, थीटा हमारे पास जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो एनी वैल्यू, आउटपुट वैल्यू ग्रेटर देन 1 बट लेस देन और इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे एंड फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं तो हम लोअर लिमिट को भी देखेंगे, एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1, और अपर लिमिट को भी देखेंगे, लेस देन और इक्वल्स टू 2। अगर ये दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो हमारा y आउटपुट जो हमारा सिग्नल है वो ट्रू होगा, यानी ट्रिगर होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होके ख़त्म हो जाएगा। एंडिंग है, एंड फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। तो थीटा की लिमिट दो वैल्यूज़ है, लोअर लिमिट है एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1, ये लोअर लिमिट है, बट लेस देन और इक्वल्स टू 2 ये अपर लिमिट है। तो एंडिंग है हमारी, तो एंडिंग के लिए हम दोनों वैल्यूज़ को हमारी ट्रू होंगी तो ही हम अपना वाई फंक्शन ट्रू करेंगे। ये एग्जांपल मैं आपको नोटबुक पे भी करवा के अपलोड कर देती हूँ। सो फर्स्ट वैल्यू 0 था, 0 थ्रेशोल्ड से के अंदर वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि लोअर लिमिट हमारी ग्रेटर देन 1 है, ये फुलफिल नहीं कर रही। सो वाई आउटपुट हमारा एफ चला जाएगा, फॉल्स चला जाएगा, यानी सिग्नल ट्रिगर नहीं होगा, सिग्नल यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड वैल्यू 1 है, 1 भी है, अगेन थीटा को फुलफ़िल नहीं कर रही, यानी ग्रेटर देन 1 भी फुलफ़िल नहीं कर रही, इक्वल 1 आ रही है, इक्वलिटी नहीं है, इस रेंज के अंदर नहीं आ रही, यानी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल्स 2 के अंदर नहीं आ रही इस रेंज के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट, सो हमारा जो वाइफ फंक्शन है वो एफ होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट वन अगेन 1 है, वो भी फॉल्स होगा। 2 देखें, 2 जो है वो लोअर लिमिट को भी फुलफ़िल कर रहा है, एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1 1 से ग्रेटर है, बट लेस देन और इक्वल्स टू 2 से लेस है या उसकी इक्वल है, इट मीन्स कि इस रेंज के अंदर फिट आ रहा है। सो हमारा आउटपुट जो है वाई ट्रिगर हो जाएगा, टी ट्रू फंक्शन जो है ना वो आ जाएगी। सो विद अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ थीटा ऑफ द यूनिट स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन वी विल गेट करेक्ट रिजल्ट्स। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको ये अंडरस्टैंड करना, सो किसी भी किस्म की क्यूरीज को उसको देखिए, बार बार वीडियो को देखें, और जो भी क्यूरीज है मुझे करें, ई मेल कर लें, व्हाट्सएप कर लें, और उसके बाद अंडरस्टैंड इसको करने की कोशिश करें। सो अगेन वन थिंग आपसे कहूँगी कि व्हाट्सएप पे मुझे सिर्फ लेक्चर रिलेटेड क्यूरीज सेंड किया करें, मुझे असाइनमेंट्स और क्विजेज अपने व्हाट्सएप पे सेंड ना किया करें, बल्कि वो किया ही ना करें, LMS पे ही इसको सबमिट करवाया करें। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल मॉडल की। अच्छा, अब इसको हम मैपिंग भी कर सकते हैं। वी कैन ग्राफिकली शो द एंड फंक्शन इनपुट ऑन अ टू कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 एंड x2। x1 एंड x2 के ऊपर इसको हम मैप कर सकते हैं कि ये वैल्यू कहाँ पे लाई करते हैं, जिस तरह से पिछला हमने उसमें किया था, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू से नहीं था किया। चलिए मैपिंग देख लेते हैं इसकी। ये अगर मशीन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं तो अगर आपको याद हो कि लास्ट जो हमने किया था एल्गोरिदम, उसके अंदर हमने लीनियर मॉडल जो है वो बनाया था और उसके ऊपर वैल्यूज़ मैप किए थे। ठीक है जी, दोबारा इसको देख लेते हैं किस तरह से किया था। सो आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल है, न्यूरॉन आउटपुट्स आर 1 इफ x1 w1 प्लस x2 w2 ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा थ्रेशोल्ड वैल्यू, अदरवाइज द आउटपुट इज 0।
देखिए थीटा हमारे पास 1.5 है, W1 W2 1 है. एट द बाउंड्री बिटवीन द आउटपुट ऑफ 1 एंड 0 वी हैव X1 प्लस X2 इक्वल्स टू 1.5. ये देखिए एक्स एक्सिस पे देखिए 1.5 एंड वाई एक्सिस पे 1.5, इन दोनों के दरमियान से एक लाइन गुजर रही है जिसको लीनियरली सेपरेबल मॉडल बोला जाता है. जो भी आउटपुट उस लाइन से अबव आएगा, जस्ट लाइक रेड डॉट है, तो वो एक क्लास में जाएगा, और अगर वो क्लासीफाई उसको करेंगे, और अगर वो बिलो दैट लाइन जाता है तो वो दूसरी क्लास में सिंपली मॉडल होगा. एक्स एक्सिस पे हमने 1.5, एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल्स टू 1.5 है. सो हमारे जो लाइन थ्रेश होल्ड वैल्यू है, जो कट ऑफ लाइन है, वो 1.5. एक्स एक्सिस पे भी ग्रीन लाइन 1 को शो कर रहा है, तो 1.5 एक्स एक्सिस पे भी, और एक्स टू एक्सिस या वाई एक्सिस पे भी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों पे 1.5 के पॉइंट्स वो लाइन गुजर रही है. इसको बोला जाता है लीनियरली सेपरेबल मॉडल. अब इससे जो अबव वैल्यू होगी वो एक क्लास में उसको हम क्लासीफाई करेंगे, और उससे जो बिलो वैल्यू आएगी उसको हम दूसरी क्लास में क्लासीफाई करेंगे. ठीक है, फ्रॉम प्लॉटिंग दिस बाउंड्री वी फर्स्ट टेक एक्स टू इक्वल टू जीरो एंड गेट एक्स वन इक्वल्स टू 1.5, यानी कि एक्स वन जो है 1.5 पे उसके पॉइंट लगाया, एंड देन वी पुट एक्स वन इक्वल्स टू जीरो एंड गेट एक्स 1.5, और उसके बाद दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये लाइन ड्रॉ की है. सो एनी वैल्यू हमारे जो भी आउटपुट उस लाइन से अबव आएगा उसको हम ट्रू लाइन में कंसीडर करेंगे 1.5 से अबव, और जो भी वैल्यू हमारी उस लाइन से बिलो आएगी, थ्रेशोल्ड से बिलो आएगी, उसको हम फॉल्स क्लास में क्लासीफाई करेंगे. ठीक है जी, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं और फंक्शन के साथ. सो द न्यूरॉन हैज़ ड्रॉन अ लाइन फ्रॉम 1.50 टू 0.15 इन द इनपुट प्लेन. एनी न्यू डेटा फॉलिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन विल रिजल्ट इन एन आउटपुट ऑफ 0, यानी बिलो आएगा तो वो थ्रेशोल्ड, ये समझो कि थ्रेशोल्ड लाइन है. सो जो भी न्यू डेटा उस लाइन से बिलो आएगा उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ फॉल्स, और जो भी उस लाइन से अबव आएगा उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ ट्रू वैल्यू. सो मशीन लर्निंग के स्टूडेंट्स ने लीनियर रिग्रेशन किया है ऑलरेडी रिसेंटली, सो द बेटर नोज कि लीनियर रिग्रेशन या स्पोर्ट वेक्टर मशीन में किस तरह से ये लीनियर लाइन लगाई जाती है, और उसके बाद वो लाइन डिवाइड करती है कि नेक्स्ट टाइम आपका जो डाटा फॉल करेगा उस लाइन के अबव और बिलो वो किस क्लास में जाएगा. सीखे जो सो आर्टिफिशियल न्यूरल मॉडल हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ और फंक्शन. अब यहाँ पे आर और एंड जो है ये थीटा की वैल्यूज़ अगर लिमिट दी हैं तो उनको फुलफिल करने के लिए यूज़ किया जाता है. सो अगेन सेम एग्जांपल है, वही एक्टिवेशन फंक्शन है X1 W1 प्लस X2 W2. अब यहाँ पे देखिए जो इनपुट वैल्यू आई है वो 0, X1 W1 प्लस X2 W2 हुई, वो पहली वैल्यू है 0, और हमारी जो थीटा की वैल्यू है दैट इज़ नीचे देखें लाइन में, इफ़ वी मेक थीटा इक्वल्स टू 1 और हाँ तो 1 हो या फिर एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल्स टू 1, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है वी विल गेट करेक्ट रिजल्ट्स विद अ यूनिट स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन. सो फर्स्ट वैल्यू 0 है, ना तो ये 1 है ना ही ये सेकंड जो रेंज है उसमें एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ना तो इसको फुलफिल कर रही है और ना ही लेस देन इक्वल्स टू 1 को फुलफिल कर रही है, तो हमारा वाई जो है वो एफ आ जाएगा. सेकेंड 1 जो है वो फुलफिल कर रहा है अपर लिमिट को लेस देन इक्वल्स टू 1, सो दिस इज़ ट्रू. सेकेंड 1 जो है दैट इज़ आल्सो फुलफिलिंग द अपर लिमिट लेस देन इक्वल्स टू 1, सो दिस इज़ भी ट्रू. अब 2 है तो 2 देखें ये लोअर लिमिट को फुलफिल कर रहा है, यानी ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन लेस देन और इक्वल्स टू 1 नहीं है, यानी बोथ कंडीशन. लेकिन हम देखें कि फंक्शन और यूज़ करें, और में हम एक चीज़ देखते हैं, अगर हमारी एक भी वैल्यू फुलफिल हो रही है तो हम उसको ट्रू कर देंगे. सो लोअर लिमिट हमारी फुलफिल हो रही है, एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0 वो 2 उस रेंज में आ रहा है, आल्दो के ऊपर लिमिट फुलफिल नहीं हो रही, लेकिन हम एंड फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आर कर रहे हैं. सो आउटपुट हमारा 2 के अगेंस्ट ट्रू जनरेट होगा. सो इसी तरह से इसको भी आप मैप कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स 1 0 एंड 0 1 के साथ थ्रेशोल्ड की लाइन लगाएं. सो एनी वैल्यू लास्ट एग्जांपल था इसमें 1.5 पे लाइन थी, यहाँ पे 1 पे लाइन है, यानी कि एक्स एक्सिस पे भी 1 एंड वाई एक्सिस पे भी 1. सो इनसे इस लाइन को अगर ज्वाइन करें और जो भी न्यू डाटा हमारा फॉल करेगा इस लाइन से अबव वो हमारा ट्रू क्लास में जाएगा, और जो भी इस लाइन से बिलो फॉल करेगा वो हमारा फॉल्स क्लास में जाएगा. ठीक है जी, सो आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल, इफ़ वी वांट टू यूटिलाइज अ यूनिट स्टेप फंक्शन सेंटर्ड एट 0 फॉर बोथ एंड और न्यूरॉन्स, वी कैन
ऑपरेट अनदर इनपुट एक्स जीरो कॉन्स्टेंटली सेट एट वन। यानी वो जो एडिशन स्लाइड थी 22 वैल्यू करवाना नहीं थी आपको चाह रही, सो अगर यहाँ पे आ गई है तो यू कैन लीव इट। ठीक है जी, ये स्लाइड थी हमारी। ठीक है जी, आप इसको स्किप कर दें, ये मेरे लिए कट तो की थी लेकिन कट हुई नहीं। सो लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स, दोज प्रॉब्लम फॉर विच जी लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिनको आप एक सिंगल लाइन या सिंगल बिट के थ्रू सेपरेट कर सकें, दो क्लासेस में डिवाइड कर सकें। दोज प्रॉब्लम फॉर विच द डेटा कैन बी करेक्टली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, यानी दो कैटेगरीज में आप डेटा को करेक्टली कैटेगराइज कर सकें, आइदर येस और नो में, आइदर ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, और लाइन और हाइपर प्लेन के थ्रू आप उसको क्लियरली डिवाइड कर सकें, जिस तरह से प्रीवियस दो एग्जाम्पल्स में हमने देखा है, और वाले फंक्शन में भी एंड एंड वाले फंक्शन में भी। ठीक, सो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये क्लियरली लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको एक सिंगल लाइन के थ्रू क्लासेस को लहदा से डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर द हाइपर प्लेन इज़ लीनियर हैंड्स सिंगल न्यूरॉन इज़ अ लीनियर क्लासीफाई, सॉरी यहाँ पे आप जो है वो लीनियरली क्लासीफाई कर सकते हैं एक हाइपर प्लेन के थ्रू, जिसमें कुछ वैल्यूज़ उस लाइन से नीचे जाएंगे तो वो फॉल्स क्लास में जाएंगे, अबव जाएंगे तो वो ट्रू क्लास में जाएंगे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो लीनियरली सेपरेबल नहीं होती है, जस्ट लाइक वी हैव एन एग्जांपल हियर। अब देखें इस पर ट्राइंगल की वैल्यूज़ मैप हैं और सर्कल वाली वैल्यूज़ मैप हैं। अब यहाँ पे आप लाइन किस तरह से लगाएंगे कि आपकी ट्राइंगल वाली वैल्यू सारी एक क्लास में आ जाए और सर्कल वाली क्लासेस एक में आ जाए। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जिनमें अ सिंगल न्यूरॉन कैन नॉट क्लासीफाई द इनपुट पैटर्न दैट आर नॉट लीनियरली सेपरेबल, तो ऐसा सिंगल न्यूरॉन के थ्रू अगर आप उनको क्लियर कट लाइन डिवाइडेंड ना बना सकें तो ये हमारी नॉन लीनियर एग्जांपल्स होती हैं। बुक का यहाँ पे रेफरेंस है एंजल ब्रिट की जो बुक है उसके चैप्टर सेक्शन 1.1 और 2.1 2.3, और ल्यूरेन फॉसेट की बुक है अगर उसको अगर आप फॉलो करते हैं कोई भी बुक का, तो इनकी ये रेफरेंस नंबर यहाँ पे एडिड है, उनके थ्रू आप बुक से रीड कर सकते हैं या फर्दर जो है वो इसकी इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस मॉडल की, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इसकी करते हैं तो मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी।